बहुजन जागरूकता मंच, जागरूक मंच के सभी आयोजकों का और इस आयोजन में आए हुए आप सभी सम्मानित लोगों को मेरा क्रांतिकारी अभिवादन। आप सभी का आभार कि आपने तमाम वरिष्ठ लोगों के बीच में मुझे मुख्य अतिथि बनाकर सम्मानित किया, यह मेरे लिए बड़ी बात है। और जब भी इस तरह का कोई सम्मान मैं अपने लिए पाता हूँ, महसूस करता हूँ, तो मुझे बार बार याद आता है कि यह सम्मान किस बात का मिल रहा है। प्रोफेसर होने को तो अकेले दिल्ली विश्वविद्यालय में 10,000 प्रोफेसर हैं, आबादी इस देश की 1.25 अरब से ज्यादा है। तो मैं जब पीछे घूम कर देखता हूं तो मुझे समझ में आता है कि यह सम्मान हमारे उन पुरखों का सम्मान है जिनकी वजह से आज हम यहाँ हैं और आज आपने मुझे मुख्य अतिथि बना करके सम्मानित किया। ये सारा सम्मान मैं उन सभी को समर्पित करता हूँ। लेकिन मुख्य अतिथि बनाए जाने का एक दूसरा पक्ष ये भी होता है कि जब आप बोलने खड़े हों तो दूसरी तरफ खाने का इंतज़ार होता है, तो वक्त बहुत कम है और बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। बहुत थोड़ी सी एक दो बातें बस मैं साझा करूंगा। पहले तो फिर से बधाई आप सभी को कि दिल्ली NCR में बहुजन तबके के बीच एक वैचारिक कार्यक्रम एक टीम बना करके आप लोग कर रहे हैं और वह कार्यक्रम जिसमें बाबा साहब ने जिन तबकों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, मान्यवर कांशीराम ने लड़ी, तमाम बहुजन नायकों ने लड़ी, मुझे आज आपके कार्यक्रम में आकर के कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि आप उस दिशा में कुछ कुछ काम कर रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। मसलन आपने शिक्षा में जो बच्चे अच्छा नंबर पाए हैं आपने उन्हें सम्मानित किया, आपने निबंध प्रतियोगिता आयोजित की, तमाम तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की, पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी उसमें शामिल रही। मुझे लगता है कि ये जो मंच जब सम्मान समारोह से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा था वो एक ऐसा मुकम्मल ख्वाब था जो हमारे देश के संविधान बनाने वाले बाबा साहब ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, मान्यवर कांशीराम ने और तमाम बहुजन नायकों ने देखा रहा होगा कि ऐसे हमारे लोग आएंगे जो शिक्षा में 100 में 100% नंबर भी लाएंगे और सामाजिक जागरूकता के कार्यक्रम भी करेंगे। आज वसुंधरा की जगह पर चाहे बाबा साहब की ये आदमकद मूर्ति हो या इस तरह का वैचारिक कार्यक्रम, आप उस दिशा में एक काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं एक बात अक्सर कहता हूं कि हमारे पुरखों ने लड़ाई किस बात की लड़ी थी, और दूसरी बात कि नई पीढ़ी को हम यही बताने में नाकाम हो गए कि लड़ाई किस बात की लड़ी गई थी। जो दिल्ली में रह रहा है, थोड़ा भी सक्षम है, दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, अगर वो थोड़ा भी सक्षम है तो जाति के नाम पर उसके साथ भेदभाव करना मुश्किल है। बाबा साहब के संविधान ने अब इतनी ताकत तो दे दी है कि अब जाति के नाम पर कम से कम दिल्ली में सक्षम लोगों के साथ अन्याय नहीं हो रहा। जबकि उसी वक्त हाथरस में एक बेटी के साथ बलात्कार होता है और लोग कहते हैं बलात्कार नहीं हो रहा है, पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है, उसमें भी जाति सामने आती है और जाति के नाम पर अन्याय सहारनपुर ऊना से लेकर के देश के विश्वविद्यालय में हो रहा है। लेकिन जो सीधे जाति का अन्याय नहीं सहा उसे तो पता ही नहीं कि जाति क्या होती है। तो मुझे लगता है कि आप अपने बच्चों को जब इस कार्यक्रमों में लेकर आते हैं, भले हमारे संचालक महोदय मेन्यू पढ़ करके आप लोग को रोक रहे हो कि गुलाब जामुन भी उसमें है, थोड़ी देर और भाषण सुन लीजिए, ये एक टैक्टिस है, लेकिन चलो किसी बहाने से जो बच्चे यहाँ पर आए हैं 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल के नौजवान, मैं उनसे एक अपील कर रहा हूँ
बहुजन समाज में जो लोग सक्षम हो गए, जिनके लिए माननीय कांशीराम ने कहा कि पे बैक टू सोसाइटी, और अधिकांश लोग जब रिटायर हो जाते हैं तब उन्हें क्रांति सूझती है, ये सच्चाई है। तो जो बच्चे नौजवान हैं, अगर आपने उन्हें ट्रेनिंग दे दी तो आपको फिर क्रांति करने की जरूरत नहीं। आप अपने बच्चे को मजबूत करिए, वो अपने आप क्रांति की लड़ाई लड़ लेगा और नई भाषा में वो अपना हक भी ले लेगा। इसलिए ऐसे हर आयोजन में आप अपने बच्चों को जरूर लेके जाया करें, क्योंकि हमारे इस देश में हो क्या रहा है, हमारे देश में जब 1990 में टीवी पहली बार आती है, टेलीविजन, तो टेलीविजन पर क्या दिखाया जाता है, रामायण, महाभारत, श्री कृष्णा। तो जो परंपरा पहले से चली आ रही थी उसको टेलीविजन पर भी दिखा दिया। एक नई टेक्निक थी जिस पे ज्ञान विज्ञान की बातें करते, लेकिन हमारा तो वो देश है जो कहता है कि महाभारत काल में इंटरनेट था, गणेश जी पहली प्लास्टिक सर्जरी है, एक छोटा सा बच्चा जब पेड़ के पीछे देखता है सूरज तो उसको निगल जाता है, दुर्गा के 8 हाथ हैं, सारी कथाएं तो यहाँ पर लिखी गई। हमारे पुरखों ने कहा कि इस धर्म के नाम पर हमको डराया गया और कमज़ोर बनाया गया, तब हम क्या बन गए कि गाड़ी बनी जो फैक्ट्री में, विज्ञान से जो गाड़ी बनी, धर्म की किताबों से नहीं बनी, वो अभी जब घर आई तो हम उसकी आरती उतारते हैं, पूजा करते हैं, ये हमारे पीढ़ियों पे मिला है। तो उस बच्चों को जो आपको पता ही नहीं चला, वो टीवी पर रामायण जब देख रहा था उसे पता ही नहीं कि भीमराव अंबेडकर कौन थे, तो जब रामायण देखा हुआ बच्चा राम मंदिर आंदोलन होगा तो आंदोलन में जाएगा कि नहीं जाएगा, ये सवाल आपके लिए। जब बचपन से वो रामायण देखा है तो राम मंदिर आंदोलन में जाएगा, वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जाएगा, उसे तो पता ही नहीं कि भारत का संविधान किसने लिखा है, उसे तो पता ही नहीं कि तथागत बुद्ध कौन थे, लेकिन उसे पता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश कौन थे। ये विफलता हमारी है। इसलिए मैं अब ज्यादा वक्त न लेकर के जिस एक बात पर जोर दे रहा हूं और यही निवेदन करके आपसे जा रहा हूं कि क्रांति अब अधेड़ और बुजुर्ग लोग नहीं करेंगे, क्रांति अगर कोई करेगा तो वो होंगी महिलाएं और नौजवान, क्योंकि पुरुष घर के भीतर जाकर के किसी भी तरह की ज्ञान की बात नहीं कर सकता है, लेकिन जब एक महिला बाबा साहब अंबेडकर, फूले पेरियार की बात को अगर समझ जाए, जागरूक हो जाए, तो वो घर के दहलीज के भीतर जाकर चूल्हे और चौके में समेट दी गई महिला को यह ज्ञान दे सकती है कि बहन उठो, चलो, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पर खतरा है, हमें उसके लिए लड़ने जाना है। इसलिए महिला ही क्रांति कर सकती है। पुरुष तो चार पुरुष मिलकर के रिटायर हो गए तो, घर से नाराज हैं तो वो क्रांति की बात करते हैं, और बच्चों को आपने इसमें शामिल नहीं किया। तो आप जब अपने घर में तस्वीर लगाते हैं, अभी हमारे पूर्व के वक्ता कह रहे थे कि बाबा साहब की तस्वीर पीछे रहती है, तमाम देवी देवताओं के आगे रहती है, क्योंकि हम लोग डरते हैं धर्म से, हम लोग डरते हैं। इसलिए ही तो हिंदू धर्म में जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत की आबादी थी 30 करोड़ और देवता थे 33 करोड़, यानी 3 करोड़ देवता ज़्यादा थे, फिर भी आप 200 साल गुलाम रहे। डर के मारे धर्म का धंधा चलता है। बाबा साहब ने, माननीय कांशीराम ने, लोहिया फूले पेरियार ने आपके भीतर के डर को दूर किया, और इसलिए आप अपने बच्चों को जब आपने बताया ही नहीं कि फूले कौन थे, पेरियार कौन थे, अंबेडकर कौन थे, लोहिया कौन थे, कांशीराम कौन थे, तो अब वो लोग तो वापस आके बताने से रहे। दूसरी तरफ उसी समय आपके बच्चे को व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, टेलीविजन पर रामायण, महाभारत, रामचरितमानस सुनाया जा रहा है और हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है। तो हम अपने घर में ये बात नहीं कर पाए, इसलिए हम कमज़ोर हो गए। ये बात कहने की ज़रूरत है कि नई पीढ़ी को आप कहिए, वो नहीं समझता है, लेकिन हमें अगर ये जागरूकता रखनी है, भाई हम तो दिल्ली में हैं, NCR में, वसुंधरा जैसी जगह पर आप रह रहे हैं, बाबा साहब के सपने थे
कि इस देश में बड़ी बड़ी हवेलियों के आगे भी किसी दलित पिछड़े आदिवासी का नाम लिखा रहे कि ये घर उसका है, ये ज़मीन उसकी है, लेकिन वह नहीं हो पाया। गाँव में दलित बस्तियाँ दक्षिण पश्चिम के कोने पर ढकेल दी गई थी। पिछड़े तबके के लोगों को भी सवर्णों ने वो शोषण किया, लेकिन हमारे पिछड़े तबके के लोगों को तो लगता है कि बाबा साहब तो उनके हैं नहीं। मैं बात ये बात दमदारी से कह के जा रहा हूं कि ओबीसी समाज जिस दिन दलित समाज और आदिवासी समाज के साथ खड़ा होकर के डॉक्टर अंबेडकर के संविधान और मंडल कमीशन की रिपोर्ट के साथ दोनों हाथ उठाकर खड़ा हो जाए, उस दिन इस देश को बिरसा फूले अंबेडकर पेरियार का देश बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो ओबीसी समाज को समझाएगा कौन? ओबीसी समाज के बीच से कोई आएगा तो वो समझाएगा? दलित समाज में जो भटकाव आ गया उसको कौन समझाएगा? अपने लोगों को समझाना है। भाई मैं तो यहां आने वाला था, कल मैंने आयोजकों को बताया भी कि मेरे पास एक फोन आता है कि भाई साहब वहां मत जाइए, वो लोग तो खराब लोग हैं, वो गलत संस्था है, ओरिजिनल वाले हम हैं, मत जाइए उसमें। मैंने उनसे भी ये निवेदन किया। सम्मान तो यहां इतने लोगों का, सैकड़ों लोगों का सम्मान हुआ है ना इस मंच पर आकर के। मैंने कहा कि आप किस बात के भूखे हैं? बाबा साहब और फूले अंबेडकर पेरियार चाहते थे कि मेरा समाज एकजुट हो जाए, और हम छोटी छोटी बात पर कहते हैं कि फला से ज़्यादा सही हम हैं, इसलिए हम अलग जाएंगे, बल अलग जाएगा। बाम सेफ ने, मान्यवर कांशीराम ने पहला संगठन बनाया था, बाम सेफ DS4, ये सारे संगठन बनाए थे। आज कई बाम सेफ चल रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो इस देश को कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनाएगा, 95 साल से उसमें कोई विघटन नहीं हुआ, कोई टूट नहीं हुई। हमारे यहाँ जो एक संगठन बनता है दूसरा उससे कहता है ये अच्छे नहीं है, तो हम उससे ज्यादा अच्छे हैं, वो टूट के अलग हो रहे हैं। फिर किस बात से आप अपने एकजुटता बनाएंगे? ये जरूरत है कि भाई फला को आपको लगता है कि वो थोड़ा खराब है, हम अच्छे हैं, तो भी एकजुट रह करके अगर अच्छे बनेंगे तो चार संगठन मिल करके एक हो जाए तो ताकत मजबूत होगी। इसलिए मैं तो कह रहा हूं कि एकजुट होने की जरूरत है, और वो भी तब जब शोषक एकजुट हो गए तो हम क्यों एकजुट नहीं हो गए? इसलिए अपने बच्चों को समझाइए, ये निवेदन करके जा रहा हूं। वक्त काफी हो गया है। हमारे पुरखों ने मंदिर की लड़ाई नहीं लड़ी, हमारे पुरखों ने सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई लड़ाई लड़ी तो वो आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ी, डिग्निटी की लड़ाई लड़ी, अपने वजूद की लड़ाई लड़ी। ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले को घर से निकाल दिया उनके पिता ने, केवल इसलिए कि वो महिलाओं और दलित बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोल रहे थे, इसके लिए उनको निकाल दिया। आप अपने बच्चों से जाकर पूछिएगा कि क्या तुम जानते हो ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले कौन थे? यही काम करने की जरूरत है। मैं सामाजिक न्याय की पाठशाला के नाम से अपने यूट्यूब चैनल पर क्या कोशिश कर रहा हूं, जिसकी वजह से आपने मुझे बुलाया, मैंने यही कोशिश की कि अपने इतिहास को लोगों को बताया जाए, क्योंकि आपका वर्तमान लूटा जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि गर्व से कहो तुम हिंदू हो, और उसी के नीचे दलित पिछड़े आदिवासियों का शोषण इस देश में किया जा रहा है। जितने दलित पिछड़े आदिवासी अगर हिंदू थे तो ओबीसी समाज के 2020 तक प्रोफेसर देश के केंद्रीय विश्वविद्यालय में जीरो क्यों थे? सुप्रीम कोर्ट के जज दलित पिछड़े आदिवासी क्यों नहीं है? इस देश में जमीनें सबसे ज्यादा दलित पिछड़े आदिवासियों के पास क्यों नहीं है? इस देश में स्कूल में शिक्षा पाने के लिए दलित पिछड़े आदिवासी क्यों नहीं है? जब हिंदू थे तो हमारा हक किसने छीना, ये सवाल पूछने की जरूरत है। हमारा हक उसने छीना जिसने झूठ बोला था कि हम हिंदू हैं। हम लोग चौधरी छोटू राम कहा करते थे कि कमेरा जाति के लोग हैं जिनकी आबादी 90% है। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा और राम स्वरूप वर्मा कहते थे कि हम श्रमजीवी लोग हैं, हमारा शोषण परजीवी कर रहा है जो मेहनत से श्रम से काम नहीं करता। इस देश का दलित पिछड़ा आदिवासी ने इस देश को बनाया है, और थोड़े से लुटेरे कमजीवी लोगों ने उसको लूट लिया। अब ये बात अगर अपने बच्चों को समझाएंगे तो वो नहीं समझेंगे। करने का काम क्या है, उनसे केवल ये पूछने की जरूरत है कि इस देश को संविधान के आधार पर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, इस देश में सबको शिक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। ये आप बताइए, क्या इस देश में सरकारी स्कूल होने चाहिए, वो भी ऐसे स्कूल जिससे DMSP और कलेक्टर निकले, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए?
अगर प्राइवेट स्कूल रहेगा तो जिसकी जेब में पैसा वही जाएगा शिक्षा पाने। तो शिक्षा की लड़ाई हमारे पुरखों ने लड़ी। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ और मैं ये बात कह के जा रहा हूँ कि शिक्षा आपके बच्चों के हाथ से छीन ली गई, रोजगार आपके बच्चों के हाथ से छीन लिया गया, और पूरे देश में आरक्षण कहाँ लागू है? सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरियों में ही ना। और पूरे सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरी को अंबानी और अडानी के हाथों वो लोग बेच रहे हैं जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। इसका मतलब इस देश का हिंदू राष्ट्र अगर बना तो आपके बच्चे या तो शंभूक बनेंगे या एकलव्य बनेंगे। अगर आपके बच्चों को बचाना है तो इनका विरोध करना होगा। और यही निवेदन करके जा रहा हूं कि शिक्षा, बाबा साहब और हमारे बहुजन नायक कहते थे, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा। भूखे रहना प्यासे रहना, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दीजिएगा। बिना शिक्षा के आपके बच्चे अपना इतिहास नहीं जानेंगे, और वो लोग नहीं जानेंगे कि कैसे हमारा नारा लगता था। बाबा साहब से लेकर के मान्यवर कांशीराम तक हमारे नारे क्या थे? 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शोषण 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, राष्ट्रपति हो या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। ब्राह्मणवाद की क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम, मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान, जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं। और राष्ट्रपति या तो चपरासी की संतान, सबको शिक्षा सबको काम, और सबको शिक्षा दे न सके जो, वह सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। ये हमारे नारे थे, इन बच्चों को समझाइए। शिक्षा और रोजगार आपकी लड़ाई है। इस देश को आपके पुरखों ने बनाया, कुछ लोग इसे बर्बाद कर रहे हैं, उन्हें बर्बाद मत करने दीजिए। पढ़ाइए, महिलाओं को अपने कार्यक्रम में लेके आइए, अतीत जानिए, जानिए कि मान्यवर कांशीराम ने क्या कहा था कि जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो कि तुम इस देश के शासक हो। लेकिन आज हम लोग इस देश के गुलाम बन गए। अगर 5 साल 10 साल एकजुट होकर के हमने एजुकेशन पर काम किया, हमने ऐसे ही वसुंधरा बहुजन सोसाइटी जागरूक मंच बनाया, तो आने वाला दिन हमारा होगा। और हम भी फख्र से कहेंगे कि जब बहुजनों का हक मारा जा रहा था तो वसुंधरा में एक बहुजन जागरूक मंच था जिस पर खड़े होकर के चिंता की जा रही थी कि इस देश को बचाना है, हम उसमें शामिल थे। आपने मुझे आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद।